हाँ तो चलो यार, सुबह हो चुकी है और यार क्या ही तो नींद आया मेरे को। अरे यार सुबह सुबह सोने में मेरे को कितना मजा आता है, लेकिन एक सेकंड यार ये क्या हो रखा है मेरे बेड पे लाल लाल सा। यार ये तो विमल है, लेकिन मैं तो विमल खाता ही नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ तो चलो यार, मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ और ऊपर चल के थोड़ा सा जिम कर लेता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, ये रहा मेरा बड़ा सा जिम। कितना बड़ा जिम बना रखा है मैंने पूरे घर के अंदर। तो चलो यार, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जंपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि जंपिंग करने से मेरा कद बड़ा होता है। तो चलो यार, अभी मैंने जंपिंग तो कर ली, अभी मैं थोड़ी देर रनिंग मशीन के ऊपर रनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि खा के मोटा हो चुका हूँ ना। अरे यार, आज तो मैं जिम कर के थक चुका हूँ। चलो यार, अभी जल्दी से नीचे चलता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, ये रहा मेरा बड़ा सा घर। कितना बड़ा घर है मेरे पास। और यहाँ पे ये रहा मेरा बेडरूम। लेकिन यार यहाँ पे तो दो जन सोते हैं और मेरी तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पे तुम लोग देखो मेरा बड़ा सा टीवी। कितना बड़ा टीवी है मेरे पास। और ये रहा मेरा कंप्यूटर, जिसके अंदर मैं GTA गोलूलूलू खेलता हूँ। तो चलो यार, जल्दी से बाहर चलता हूँ और बाहर चल के आज के मौसम के नज़ारे लेता हूँ। अरे यार, आज का मौसम तो कितना बढ़िया हो रहा है और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे यार, लेकिन एक सेकंड, ये क्या भाई, टाइम कितना ज्यादा हो गया और पूरे 10 बज गए। अरे यार, आज तो मेरे को अपने दोस्त बबलू की बर्थडे पार्टी में भी जाना था। तो चलो यार, मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ और पार्टी के लिए रेडी हो जाता हूँ, फिर पार्टी में चला जाऊंगा। और यहाँ पे चलो यार, मैं पूरे 5 मिनट के अंदर बिना नहाए पार्टी के लिए रेडी हो चुका हूँ। चलो यार, मैं जल्दी से पार्टी में चलता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, ये रहा मेरा 10 साल पुराना हायाबुसा। तो चलो यार, अभी मैं जल्दी से अपने हायाबुसा को लेके चलता हूँ अपने दोस्त बबलू की बर्थडे पार्टी में, क्योंकि पार्टी स्टार्ट होने वाली है। और यार, आज तो मैं अपने दोस्त बबलू की बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, यम 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 यम। एहे, रहा नहीं जाता। बाकी यार, तुम लोग क्या टुकर टुकर हंस रहे हो यार? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अपने हायाबुसा को लेके मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। तो चलो यार, यहाँ पे अपने बाइक को खड़ा कर देता हूँ। और यार, आप लोग देखो यार, यहाँ पे तो कितनी बढ़िया सजावट हो रखी है और पार्टी तो कितनी जोरों शोरों से चल रही है। और यार, आप लोग देखो यार, यहाँ पे तो कितने बढ़िया बढ़िया सुपर बाइक आ रखे है मेरे दोस्त बबलू की बर्थडे पार्टी में। लेकिन यार एक सेकंड, ये इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे क्या कर रही हैं यार? मेरे सारे दोस्तों के पास तो सुपर बाइक है, तो ये गाड़ियां कहाँ से आई? और यार, ये गाड़ियां तो कितनी बढ़िया लग रही हैं। और यहाँ पे तो यार फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, रोल्स रॉयस, बुगाटी और ये क्या यार, लैम्बोर्गिनी, बनियान। अरे यार, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो यार, ये लैम्बोर्गिनी के साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। अबे अबे, तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तू हमारी गाड़ी चोरी करना चाहता है टकलू? गजब बेइज्जती है। अरे यार, लेकिन एक सेकंड, ये तो बबलू और बबलू के दोस्त है। अरे बबलू, क्या हो गया तुझे यार? तू मुझे मार क्यों रहा है? अबे अबे टकले बंटी, तेरी औकात कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? और तू क्या यहाँ पे पार्टी में आ गया बिन बुलाए मेहमान? अरे क्या क्या, ये गाड़ियां तुम्हारी हैं? अरे यार बबलू, तुम्हारे पास तो पहले सुपर बाइक था, तो फिर इतनी जल्दी ये गाड़ी कैसे ले ली? अबे अबे, वो क्या है ना कि हमारे घर में पैसे रखने की जगह ही नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सुपर कारें ले ली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। अरे यार बबलू, तेरी लैम्बोर्गिनी तो बहुत अच्छी लग रही है। चल यार, मैं इसके अंदर बैठ के एक सेल्फी ले लेता हूँ। अबे अबे साले गरीब, कहीं के तेरी औकात कैसे हुई हमारी गाड़ी को हाथ लगाने की? क्योंकि इसको हाथ लगाने में ही तेरा घर चला जाएगा।
और साले बंटी, मैंने तुझे पार्टी में बुलाई नहीं तो तू यहाँ पे पार्टी में क्यों आ गया भिखारी कह के? निकल जा यहाँ से अपने खटारा बाइक को लेके। अरे हाँ हाँ बबलू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया यार, तूने मुझे पार्टी में बुला के मेरी बेइज्जती कर दी। तो चलो यार यहाँ से मैं चलता हूँ अपने बाइक को लेके। हाँ तो यार आप लोगों ने देखा ना कि यार मेरे दोस्तों ने मेरी कितनी कुरकुरी बेइज्जती कर दी, और यार उन्होंने मेरे को गरीब और कुकुर बोला। लेकिन यार मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका हूँ, और यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई सुपर कार ले लूं। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मेरे दोस्तों ने अपनी दोस्ती दिखा दी, चलो अभी अपने बाइक को लेके घर पे चलता हूँ। चलो भाई रन। हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को लेके मैं घर पे आ चुका हूँ, और यार तुम लोग किसी को बताना मत, नहीं तो मेरा हायाबूसा चोरी हो जाएगा। और यार आप लोग देखो यार मेरे पास कितना बड़ा घर है, और यहाँ पे तो मेरे घर के अंदर कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। चलो यार मैं इसके अंदर नहा लेता हूँ, क्योंकि 2 महीने से नहाई नहीं हूँ ना। और यार यहाँ पे बहुत दिनों के बाद नहाने पर तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो चलो यार यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, चलो यार जल्दी से पानी से बाहर निकलता हूँ और अंदर चल के टीवी देखता हूँ। लेकिन एक सेकंड यार ये कॉल किसकी आ रही है, चलो यार उठा के बात करता हूँ। अरे हेलो बालक, मैं छपरी बाबा बोल रहा हूँ, और क्या तुम सात समुंदर पार हमारी दूसरी सिटी के अंदर जाना चाहते हो? अरे क्या क्या सात समुंदर पार हमारी कोई दूसरी सिटी भी है? अरे हाँ हाँ बाबा जी, मुझे बताओ कि मुझे दूसरी सिटी के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? तो देखो बालक, जो तूने आज हायाबूसा को चोरी किया है वो हायाबूसा को लेके जल्दी से समुंदर के किनारे मेरे पास आ जा। अरे हाँ हाँ बाबा जी, मैं अभी आता हूँ। अरे यार ये बाबा जी को किसने बता दिया कि ये हायाबूसा को मैंने चोरी किया है? यार बाबा जी तो अंतर्यामी निकले। हाँ तो यार आप लोगों ने सुना ना कि यार बाबा जी ने मुझे बताया कि हमारे सात समुंदर पार तो एक और दूसरी सिटी है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। अरे यार सात समुंदर पार के लोग कैसे होंगे, वहाँ की गाड़ियाँ कैसी होंगी, और वहाँ पे हमारा घर कैसा होगा? अरे यार मुझे रहा नहीं जा रहा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। One hour later. हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ समुंदर के किनारे, और ये रहे बाबा जी। चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को खड़ा करके बाबा जी से बात करता हूँ। हाँ तो फिर बाबा जी बताओ मुझे सात समुंदर पार हमारी दूसरी सिटी के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? तो देखो बालक, अगर तुम सात समुंदर पार हमारी दूसरी सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे हाँ हाँ बाबा जी बताइए मुझे क्या काम करना होगा जहाँ से मैं दूसरी सिटी के अंदर जा सकता हूँ। तो देखो बालक, तुम्हें मेरे लिए एक जादुई दरवाजे वाली मस्टैंग जीटी को चोरी करके लाना होगा, तो मैं तुम्हें दूसरी सिटी के अंदर भेज दूंगा। क्या क्या गाड़ी चोरी करनी होगी? अरे बाबा जी अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया तो मेरे टकले को फोड़ देगी। बालक मुझे नहीं पता, मुझे तो मस्टैंग जीटी कार चाहिए, अगर तुम मस्टैंग जीटी कार मुझे ला के दे दोगे तो मैं तुम्हें सात समुंदर पार हमारी दूसरी सिटी में ले जाऊंगा। अरे हाँ हाँ बाबा जी आप टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके आपके लिए एक मस्टैंग जीटी कार को चोरी करके लेके आऊंगा। तो चलो अभी मैं अपने हायाबूसा को लेके चलता हूँ, बाय बाय बाबा जी। हाँ तो यार आप लोगों ने देखा ना कि यार बाबा जी ने मुझे बताया कि अगर मैं उनके लिए एक मस्टैंग जीटी कार को चोरी करके लेके आऊंगा, वो भी जादुई दरवाजे वाली, तो बाबा जी मुझे सात समुंदर पार भेज देंगे। लेकिन यार जादुई दरवाजे वाली मस्टैंग जीटी कार कैसी होती है यार, मुझे नहीं पता इसके बारे में। चलो यार अभी शोरूम पे चल के देख लेता हूँ ना। चलो भाई रन। तो यहाँ पे चलो यार अपने बाइक को लेके मैं आ चुका हूँ हमारी सिटी के बहुत ही बड़े शोरूम के अंदर, और यहाँ पे अपने बाइक को खड़ा करके चलो यार अंदर चलता हूँ। और यार आप लोग देखो यार यहाँ पे तो कितनी बढ़िया बढ़िया सुपर कारें लग रखी हैं, सुपरा कार, मस्टैंग जीटी और फरारी। और यहाँ पे आप लोग देखो यार ये रही वो मस्टैंग जीटी कार, और यहाँ पे तो इसका दरवाजा भी चमक रहा है। अरे यार मुझे लगता है ये वही मस्टैंग जीटी कार है जो जादुई दरवाजे वाली है, जिसके बारे में बाबा जी ने मुझे बोला है, तो ये गाड़ी तो मुझे बाबा जी को देनी होगी। लेकिन यार यहाँ पे तो कोई सेलमैन दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो यार ऊपर चल के शोरूम वालों से बात करता हूँ।
अरे यार लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा है ही नहीं यार, लगता है वो सारे बंदे नीचे होंगे। चलो यार नीचे चलता हूँ, अरे भैंस की टांग नीचे गिर गया। हाँ तो चलो यार बाहर चलता हूँ और बाहर चल के किसी बंदे से पूछता हूँ ये शोरूम के बारे में। अरे अरे भैया क्या आपको वो सामने वाला शोरूम दिखाई दे रहा है? अबे हाँ हाँ मेरे को दिख रहा है वो शोरूम, में अंधा थोड़ी हूँ तेरी तरह। अबे अबे तुम तो वही हो ना जो रोज यहाँ पे खड़े होके भीख मांगते हो। अरे अरे भैया मैं कोई भीख मांगने नहीं आया, मैं तो आपके शोरूम से एक सुपर कार लेने आया हूँ। क्या क्या तुझे सुपर कार चाहिए? भिखारी कह के तेरी औकात तो है नहीं सुपर बाइक लेने की, और तू सुपर कार लेने आ गया। गजब बेइज्जती है। और साले भिखारी निकल जा यहाँ से अपने खटारा हायाबुसा को लेके, वरना मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। रुक बेटा मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस तुझे बताएगी। क्या क्या तू पुलिस को कॉल करेगा और तूने मुझे भिखारी बोला, ये ले मुक्का खा मुझसे। अरे यार लगता है इसको कुछ ज्यादा ही लग गई। चलो यार यहाँ से अभी अपने हायाबुसा को लेके घर पे भाग चलता हूँ, नहीं तो पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस मेरा पिछवाड़ा तोड़ देगी। तो चलो यार अभी अपने बाइक को लेके घर पे चला जाता हूँ, रात को आऊंगा और ये वाली मस्टैंग जीटी को चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को लेके मैं घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अपने बाइक को खड़ा कर देता हूँ और चलो यार अंदर चलता हूँ और शाम होने का इंतजार करता हूँ। A few moments later. हाँ तो चलो यार यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर शाम हो चुकी है और यहाँ पे मैंने अपना हुलिया बदल लिया और मैं बन चुका हूँ टकलू चोर। और यार यहाँ पे मैंने अपना हुलिया बदल लिया ताकि कोई मेरे को पहचान ना पाए। और यहाँ पे भाई तुम लोग देखो शाम कितनी ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अपने हायाबुसा को लेके जल्दी से चलता हूँ शोरूम पे और वहाँ पे चल के वो मस्टैंग जीटी कार को चुरा के भाग लेता हूँ। चलो भाई। हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को भगाते भगाते मैं शोरूम पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चलो यार अपने बाइक को खड़ा कर देता हूँ। और यार आप लोग देखो यार यहाँ पे आसपास कोई बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पे तो शोरूम के अंदर भी कोई बंदा नहीं है। और यहाँ पे चलो यार मैं पिस्टल से फायर करके गाड़ी का लॉक तोड़ लेता हूँ और ये गाड़ी को लेके भाग चलता हूँ। अबे अबे कौन है तू और मेरी गाड़ी को क्यों लेके भाग रहा है? अरे बेटा रुक जा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे चोर चोर पकड़ो पकड़ो इसको, चोर हमारी गाड़ी को चुरा के भाग रहा है। अरे यार चलो यहाँ से जल्दी से अपनी गाड़ी को लेके भाग चलता हूँ यार, अगर पुलिस को पता चल गया तो पुलिस वाले मेरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो चलो यार गाइस अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं उठ चुका हूँ। चलो यार जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके बाबा जी के पास। और यार मैंने अपनी गाड़ी को रात को शोरूम से चुरा लिया था और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को अपने घर के पीछे खड़ा कर दिया ताकि पुलिस को पता ना चले। तो चलो ये गाड़ी को लेके चलता हूँ बाबा जी के पास। A few moments later. हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके मैं आ चुका हूँ बाबा जी की बताई हुई लोकेशन पे और यहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ। लेकिन एक सेकेंड यार यहाँ पे तो छपरी बाबा मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। अरे यार बाबा जी कहाँ चले गए? चलो ये बंदे से पूछता हूँ। अरे अरे भैया क्या आप छपरी बाबा को जानते हो? अले अले भैया मेरे को छपरी बाबा के बारे में नहीं पता। अले भैया मुझे चॉकलेट दे दो। अरे क्या तुझे चॉकलेट चाहिए? अरे मुझे इधर बाबा जी की पड़ी है और तुझे चॉकलेट की पड़ी है, नहीं दूंगा तुझे चॉकलेट तोतला कहीं का। अरे अरे बंटी बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था बेटा, मुझे पता था तुम ये गाड़ी को चुरा लोगे, तुमने तो वो काम कर दिया। अच्छा तो बाबा जी अभी मैंने आपको मस्टैंग जीटी कार ला के दे दिया, अब मुझे ये बताओ कि मुझे सात समुंदर पार जाने के लिए क्या करना होगा? तो देखो बालक ये जो तुम्हें पीछे समुंदर दिखाई दे रहा है, तुम्हें अपने जादुई हायाबुसा को लेके इसके अंदर चले जाना है तो तुम सात समुंदर पार चले जाओगे। लेकिन बालक इसमें एक समस्या है। मगर क्यों? तो देखो बालक तुम सात समुंदर पार दूसरी सिटी के अंदर जा तो सकते हो लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाओगे। अरे यार मुझे रहना भी नहीं है यार यहाँ पे। चलो यार अपने बाइक को लेके समुंदर के अंदर चलता हूँ। और यार आप लोग देखो यार बाबा जी ने मेरे हायाबुसा को सच में एक जादुई हायाबुसा बना दिया और आप लोग देखो ये हायाबुसा पानी के अंदर भी चलता है। चलो भाई।
हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अपने हायाबुसा को भगाते भगाते मैं बहुत ही दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक सेकंड यार, ये मैं कहाँ गिर गया? अरे अरे कोई तो बचाओ मेरे को। लेकिन एक सेकंड यार गाइस, ये मैं कहाँ आ गया यार? ये हायाबुसा ने कहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया? और यहाँ पे तो हमारी सिटी भी चेंज हो चुकी है। और यार आप लोग देखो यार, ये सिटी कितनी बड़ी सिटी लग रही है यार, और यहाँ पे तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। अरे यार कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया यार? चलो यार किसी बंदे से पूछता हूँ कि ये कौन सा सन चल रहा है और ये कौन सी सिटी है। अरे हेलो हेलो भैया, क्या आपको ये सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है? अबे हाँ हाँ दिख रही है, मैं तेरी तरह अंधा थोड़ी हूँ। अरे अरे भैया मुझे ये बताओ कि अभी कौन सा सन चल रहा है यहाँ पे? सन 2010। अबे टकले तुझे नहीं पता क्या, तू 2010 के अंदर जी रहा है? मुझे तो लगता है तू एलियन है। रुक मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, रुक तुझे बताता हूँ मैं। अरे क्या तुम पुलिस को बुलाओगे? ये लो मुक्का खाओ। एक सेकंड, ये कॉल किसकी आ रही है? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो। अरे सर क्या हो गया, आज पूरे 10 बज गए लेकिन अभी तक आप शोरूम पे नहीं आए। क्या शोरूम यार, मेरा कौन सा शोरूम है इस सिटी के अंदर? अरे अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, आप भूल गए कि आपका इस सिटी के अंदर शोरूम है? अरे हाँ हाँ मेरे ही शोरूम है। अरे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मेरे को शोरूम का लोकेशन तो भेजो, मैं अभी आता हूँ। हाँ तो यार आप लोगों ने सुना ना कि यार मेरा इस सिटी के अंदर शोरूम है, और ये लैम्बोर्गिनी और ये घर भी मेरा है। और यार अब मेरे को पता चला कि 2010 के अंदर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मेरे बहुत सारे शोरूम थे। चलो यार जल्दी से फिर अपने शोरूम पे चलता हूँ। चलो भाई रन। हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके मैं आ चुका हूँ शोरूम पे। और यहाँ पे आप लोग देखो यार, मेरे शोरूम के अंदर कितनी सारी गाड़ियां हैं। और यार यहाँ पे आप लोग देखो यार, हमारे शोरूम के अंदर तो वैगनार, लैम्बोर्गिनी और यहाँ पे तो महिंद्रा थार भी है। और यार मेरी तो ड्रीम कार महिंद्रा थार है, बाकी तुम लोग अपनी ड्रीम कार का नाम मुझे बता देना। अरे अरे मालिक आप आ गए क्या? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपने इतनी देर लगा दी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या ये हमारा शोरूम है और ये इतनी सारी गाड़ियाँ क्या हमारी है? अरे अरे सर लगता है आज आपका दिमाग सटिया गया, आप भूल गए क्या ये आपका शोरूम है और ये सारी गाड़ियाँ भी आपकी है। और सर मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे शोरूम के अंदर गाड़ियाँ बहुत कम हो चुकी हैं और हमें गाड़ियों का आर्डर भी देना है। अरे यार इतनी सारी गाड़ियाँ तो हैं हमारे शोरूम के अंदर, और कितनी गाड़ियाँ मंगाओगे? अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो अभी तक की हमारे शोरूम की कम से कम गाड़ियाँ हैं। अच्छा तो फिर ये बताओ कितनी गाड़ियाँ ऑर्डर करूँ? अरे अरे सर आप अभी के लिए बस 200-300 गाड़ियाँ ऑर्डर कर दो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अपनी वैगनार को लेके घूमने चलता हूँ। और यार ये वैगनार को चलाने में तो कितना मजा आ रहा है, बाकी तुम लोग मुझे बता देना क्या तुम्हें भी सिटी के अंदर आना है। अगर तुम लोग भी ये वाली सिटी के अंदर आना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में न्यू सिटी लगा देना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।